हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन को आप कैसे हरा सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में है तो उस कॉमन प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी को आती है। ये दो रीज़न की वजह से आपकी बॉडी पे आती है और डिपेंड करती है। पहला है आपका डाइट, जो कि ख़राब होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है और इस हद तक बढ़ जाती है कि आप उसको झेल नहीं पाते हैं। सेकेंड चीज़, मेडिसिन। मेडिसिन का साइड इफेक्ट अगर आपकी बॉडी पे हो रहा है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बट कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा डिजीज़ है जो मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही तरीके से आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है। अगर आपने इसको क्योर नहीं करा जल्दी से जल्दी तो कॉन्स्टिपेशन एक हद तक इतना पेनफुल हो जाता है कि आप उसको सह नहीं पाते। कॉन्स्टिपेशन होता क्या है और होता क्यों है आपकी बॉडी में, और क्या ऐड और रिमूव करने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, और इसी तरीके से आप अपनी सभी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और साथ ही साथ हम आपके लिए और वीडियोज़ बना के लेके आते हैं। स्टिल मैं भी देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग हमारे वीडियोज़ को देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब कि आपकी बॉल्स एम्प्टी हो जाते हैं, आपका जो एंटायर स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन का वो प्रॉपर तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाता है और रेगुलर एम्प्टी नहीं हो पाता है। मतलब कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन आप वॉशरूम नहीं जा पाते हैं या वॉशरूम जाना छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से आपके खाना जो है आपकी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से क्लीन या फ्लश आउट नहीं हो पाता है। अगर ये रेगुलर हो रहा है देन आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसका रीज़न है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो खाना है वो कई दिनों से सड़ रहा है और उन्हीं सड़ने की वजह से आपका डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर बीच में डे ब्रेक हो रहा है देन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। बट अगर लेस देन 3 टाइम्स पर वीक अगर आप जा रहे हैं एक वीक के अंदर, देन ये सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसका सिंपल सा रीज़न है, डाइजेशन आपका ठीक नहीं है। ये आपके लाइफस्टाइल पर टोटली डिपेंड करता है। जैसे सेकेंडरी लाइफस्टाइल लोगों की है, लो फाइबर वो इनटेक करते हैं, लो वाटर इनटेक करते हैं, जो कि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी पीना है आपको, तो वो नहीं पीते हैं। और अगर आप उसके अंदर कुछ आप एडिशन ऐड करते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करता है आपके वाटर इनटेक को बढ़ाने में। स्लीप साइकिल लोगों का खराब होता है, डिस्टर्ब रहता है, ऑब्वियसली यानी कि मोटापा आज के डेट में बढ़ता ही जा रहा है। और एक ग्राफ देख सकते हैं आप, इस ग्राफ के अंदर आपको एस्टिमेट बताया गया है कि आने वाले टाइम के अंदर जो ऑब्वियसली की प्रॉब्लम है वो और बढ़ेगी। इसलिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो कॉन्स्टिपेशन का जल्दी शिकार हो जाते हैं। ऐसे जैसे आपकी एज ढलती है आपका इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, स्लो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप जो खाना खाते हैं वो सही टाइम पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसी के वजह से अब हम जानते हैं कि कॉजेज क्या है कॉन्स्टिपेशन के। आपके आंतों का प्रॉब्लम, वर्क प्रॉपर तरीके से ना करना, साइड इफेक्ट मेडिसिन का जो आप लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर इतने टाइम से, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आपकी बॉडी पे होगा। क्योंकि यंग टाइम के अंदर जो भी आप हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट आपको उस समय नहीं दिखेगा, बट कुछ टाइम के बाद जब आपकी एज ढलना स्टार्ट हो जाती है तो उसमें आपको केमिकल दिखना स्टार्ट हो जाता है। लंबे टाइम से अगर आपको कोई डिजीज का साइड इफेक्ट है तो उसमें भी आपको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका डाइट कैसा है? अगर अच्छा नहीं है तो उसको ठीक करें। अपनी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसे ज़रूर ऐड करें जो आपकी बॉडी को हेल्प करें, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि कीवी हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, नट्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, बेरीज हो गया, ड्राइड फ्रूट हो गया, ब्रोकली हो गया। ये सभी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी कॉन्स्टिपेशन से फाइट करने में और उस प्रॉब्लम को, उस डिजीज़ को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में। अल्कोहल अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो उसको आप आज से ही रोक दें, क्योंकि ये ट्रबल करेगा आपके कॉन्स्टिपेशन में। अगर आप च्युइंगम खाते हैं या ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या ज़्यादा बनाना खाते हैं या ग्लूटेन फ्री के प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हैं तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है, परहेज़ करना है कुछ टाइम तक। मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो रेडीमेड होती हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है।
मार्केट के वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन को अगर आप कंटिन्यूअस कंजप्शन कर रहे हैं और हद से ज़्यादा कर रहे हैं तो उस टाइम में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कुछ टाइम के लिए कंज्यूम करने से बचें आप, और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आप चाहें तो दोबारा अपने डे टू डे लाइफ के अंदर आप दोबारा आ सकते हैं और इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको ये बता सकूँ कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आप कैसे फाइट कर सकते हैं, कैसे उसे लड़ सकते हैं और लड़ने के साथ साथ कैसे उसको सॉल्व या उसको हरा सकते हैं। बट अगर आपका कॉन्स्टिपेशन लेवल डिजीज़ का रूप ले चुका है देन आपको नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाकर अपने इस बीमारी के बारे में उसको बताना है ताकि डॉक्टर आपको सही से सही चीज़ें रेकमेंड कर सकें, आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है उसका नाम है रेनेटस नोवा, जिसको यूज़ करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐड करा गया है एल्डरबेरी जो आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, अश्वगंधा ऐड करा गया है, शतावरी जो कि फीमेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी कारगर है, इसके साथ इसके अंदर ऐड करा गया साइबरिन जिनसिंग जो आपके मेनोपॉज की प्रॉब्लम को मैनेज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे पास एक टेस्टिमनी भी है कि किस तरीके से कनाडा के पर्सन ने यूज़ करा जहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन में और उनको रिलीफ मिला। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिपेशन पे भी ये अच्छी तरीके से असर दिखाता है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं हरविंदर सरी कैनेडा तो गल कर रहा। मैनू 3-4 महीने पहला कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी सी, तो उदा भी एक दो होर प्रॉब्लम सगिया बहुत ज़्यादा, तो मैं रेनेटस की लैन लग्या जी पिछले 3-4 महीनों तो। सो लैन मैं हूँ बहुत ज़्यादा फर्क है, मतलब कि 80% मतलब मेरी प्रॉब्लम के जिदा फर्क पै चुके हूँ तक। सो मैं सारे रिकमेंड करदा कि प्लीज़ तुम एक बार ट्राई जरूर करो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ये प्रोडक्ट कितना कारगर है जो कि आपकी बॉडी पे असर दिखा सकता है। तो इसको यूज़ करें और इसके टेस्टिमनीज आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में आप, तो इस तरीके से मैक्सिमम लोग भी जान सकेंगे। सभी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये सप्लीमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके आपकी बॉडी और अच्छी हो सकती है और इनको यूज़ करके आप एक अच्छा रिजल्ट अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो आपकी बॉडी में है वो ठीक हो सकेगी। इन चीज़ों को यूज़ करते रहिए, आप हेल्थी रहिए और इसी तरीके से आप अपने सभी लोगों को वीडियो शेयर करेंगे तो वो भी हेल्थी रह पाएंगे। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना, करना है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।